हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर और आज के इस क्लिप के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग फर्स्ट ईयर को अच्छे से पास आउट कर सकते हैं, किस तरह फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आज की क्लिप बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर चाहे MBBS का हो, BHMS, BUMS या BMS जो भी, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट होते हैं इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें हम कैसे स्टडी करेंगे और कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाएंगे, परसेंटेज बढ़ाएंगे और कैसे हम ऑल क्लियर पास होंगे। तो इस क्लिप के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस में जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं खुद पास आउट हुआ था ऑल क्लियर, तो इसलिए मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ खास बातें मैं शेयर करूंगा ताकि आपको फर्स्ट ईयर के ये सब्जेक्ट बहुत ही आसानी के साथ आप लोग पढ़ पाए और स्टडी कर पाए इसकी। इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक और चैनल को भी कर दीजिए हमारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर होता है वो ऐसा माना जाता है कि हमारे पूरे कैरियर का ये बेस होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसका जो बेस होता है वो कॉलम होते हैं। कॉलम जितना मजबूत होगा वो पूरी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। सेम एज इट इज हमारा फर्स्ट ईयर और इसके सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे तमाम कैरियर को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और आप जब प्रैक्टिस में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट ईयर के ये सब्जेक्ट्स चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। तो तमाम सब्जेक्ट्स में तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और बात करूँ एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी तो दोस्तों बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है, इसके बगैर तो कुछ चीज़ है ही नहीं। जैसे कि हमें हमारी एक पहचान है, अगर दूर कोई इंसान हमारे बारे में पूछे तो हम अगर सामने वाले को उसका फोटो बता दें तो सामने वाला पहचान लेगा कि अच्छा ये है। तो हर इंसान की एक पहचान एक फ़ोटो से है, वैसे दुनिया में हर चीज़ का जो पहचान है वो भी किसी ना किसी चीज़ से है। तो सेम एज इट इज एनाटॉमी भी एक पहचान है ह्यूमन बॉडी की। तो एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी की ये हमारे प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंस है और ये सिर्फ हमारे फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि हमारे पूरे कैरियर का बेस है और एक पूरे कैरियर का जो है एक फाउंडेशन है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैं अब क्या कर रहा हूँ कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर में हैं सबको बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ ताकि सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊँगा तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा वो एनाटॉमी है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो एनाटॉमी आता है। बिल्कुल जब तक इसको आप हाथ में नहीं लेंगे, इसको देखेंगे नहीं, इसको छुएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, उसको स्क्रैच नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। हमारे महाराष्ट्र में हापुस नाम का एक आम होता है जो कि बहुत ही फेमस आम होता है, बहुत अच्छा आम होता है। अगर एक अननोन इंसान जिन्हें कभी हापुस आम खाया ही नहीं उसको मैं 10 मिनट तक हापुस आम की तारीफ करूं कि हापुस आम इतना मीठा होता है, इतना टेस्टी होता है, इतना बेस्ट होता है, सब चीजें एक्सप्लेन करूं 10 मिनट तक, सामने वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सामने वाले को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं कि हापुस आम क्या है। बट मैं अगर सिर्फ हापुस आम और सच में लाऊं और उसको सिर्फ एक टेस्ट उसको दूं तो आप समझ सकते हैं कि उसको समझ में आ जाएगा कि हापुस आम क्या है, व्हाट इज हापुस आम। ठीक है, सेम एज इट इज जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि स्टडी क्या है, स्टडी मतलब अननोन को नॉन में बदल देना। ठीक है, जो हमको अभी पता नहीं है, किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना, दैट्स कॉल्ड स्टडी। ये एक अपने अंदर हमको कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिसको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनाटॉमी में, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं एनाटॉमी की, वो लेकर दोस्तों आगे आप लोग PG तक कर सकते हैं। एनाटॉमी में आप कैरियर बना सकते हैं, एनाटॉमी के बगैर कुछ भी नहीं समझ सकते। और मैं जहां तक समझता हूं एज अ मेडिकल स्टूडेंट या एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, प्रोफेशन जब आप ज्वाइन कर लिए हो तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक पार्ट पता होना चाहिए। जैसे कि मैकेनिक होता है तो जैसे कार मैकेनिक है, टू व्हीलर मैकेनिक, उसके एक एक पार्ट से वो क्या है वाकिफ होता है, उसको पता होता है। जैसे कि मान लो एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला बंदा है, उसको आप जब मोबाइल देते हो वो समझ जाता है क्योंकि वो बॉडी जो मोबाइल की है, उस मोबाइल के पार्ट से उसके अंदर के डीप गहराई तक के वो जानता है और इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो हाथ में लेकर बता सकता है आपको आपके मोबाइल को क्या हुआ है। या कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आप जब उनको ओवरऑली प्रॉब्लम बताते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। सेम एज इट इज हम लोग को टारगेट है हमारा ह्यूमन बॉडी पे, हम लोग को पढ़ाई करना है, ह्यूमन बॉडी का हमको डॉक्टर बनना है। तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी हमको पता होना चाहिए, पूरी बॉडी हमको नॉन होना चाहिए, पूरी बॉडी हमको मालूम होना चाहिए, एक एक पार्ट हमको मालूम होना चाहिए। मैं समझता हूं एज अ मेडिकल स्टूडेंट
या डॉक्टर हर इंसान को, हर मेडिकल स्टूडेंट को इतना परफेक्ट होना चाहिए कि अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पर अगर उसने हाथ रख दिया तो एक साइड से, यानी एंटीरियरली हाथ रख दिया तो पोस्टीरियरली हाथ निकले थे। तो जस्ट इमेजिन, यहां हाथ मैंने रखा तो उस पार मेरा हाथ अगर मैं निकालता हूं फ्रॉम एंटीरियरली साइड टू पोस्टीरियरली, तो बीच में जितने भी चीजें टच होंगी मेरे, तमाम चीजों का नाम मैंने बोलना चाहिए, चाहे स्किन हो, स्किन के अलग अलग लेयर, जो भी उसके पांच से अलग अलग लेयर है, उसके अलावा कोई मसल्स है, कोई आर्टरी है, कोई वेन है, कोई नर्व्स है, या कोई मसल्स है, या कोई बॉडी का यानी ऑर्गेन है, या फिर बोन है, तो हर पार्ट हमको किसी भी बॉडी के हिस्से पे हमने हाथ रख दिए, हमको ए टू जेड उसके आर पार हमको हर पार्ट पता होना चाहिए, आग बन कर पता होना चाहिए। ये परफेक्ट चीज है और ये पॉसिबल है दोस्तों फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर हम अच्छे से ये तमाम चीजों को समझ ले और वो तमाम चीजें मैं बताने की कोशिश करो, अगर आप अच्छे समझ ले तो। सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ एनाटॉमी में स्टडी करने के लिए, पहली चीज आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिसेक्शन है। डिसेक्शन दोस्तों आपको पता होगा, ह्यूमन बॉडी को लेकर हम जब देखते हैं, ह्यूमन बॉडी को बहुत ही जबरदस्त वो एक दिन होता है डिसेक्शन का, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे गिर जाते हैं, और मुझे अच्छे से याद है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि डिसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी का। जब हम डिसेक्शन कर लेते हैं, मेरा अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, 50-60-70-80% तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यस, जब हम इंटरनल जब बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी को रियल में जब देखते हैं डिसेक्शन के दौरान, तो हमको पता चलता है कि ये क्या है एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर पता चलते हैं। तो डिसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपके कॉलेज के अंदर डिसेक्शन का दिन है, डिसेक्शन होने वाला है, आप उसको मिस ना करें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छे से जो है डिसेक्शन हुआ, कई मरतबा हुआ हमने किए, तो हमको बहुत हेल्पफुल उससे, और मेरे नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है किताबों की दुनिया से, वीडियो से और तमाम चीजों से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है डिसेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकली जब हम यहाँ मौजूद है और हम देख रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है एनाटॉमी के एक समझने के लिए, स्टडी के लिए डिसेक्शन। तो आई होप काफी अच्छे समझ में आया होगा। दूसरी चीज है स्पेसिमेन, ये क्या होता है, जो ऑर्गेन्स है उसको ग्लास में रखा जाता है, आपने देखा आपके कॉलेज में भी हो गए, तो इन चीजों से भी बहुत हेल्प होती है दोस्तों, बहुत हेल्प होती है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है, स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो मॉडल्स होते हैं, जो बोन्स मॉडल, ओरिजिनल अगर आग बॉल मिलती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने जो डिपार्टमेंट एनाटॉमी से इस तरह से मॉडल्स हासिल कर सकते हैं, ये इसके जरिए से पढ़ाई में बहुत हेल्प होती है। मैं तो कहता हूं जब तक आपका फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी चल रहा है, जब तक आपने स्टडी एनाटॉमी की करना है आपके हाथ में, अगर तब तक वो बोन होगी, वो जो चीज आप पढ़ रहे एनाटॉमी का हिस्सा होगा, आप तब तक बहुत ही आसानी से उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान हो जाएगी आपकी स्टडी। तो ये चीज आप याद रखिए कि आपके पास ये सब चीजें होना चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल भी मिलते हैं, आपको पता होगा ये मेरे पास जो है ये आर्टिफिशियल ओरिजिनल नहीं है, बट पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको स्केलेटन पूरा, स्केलेटन अगर डिपार्टमेंट में देखने दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने जब रूम पे आ जाते हो तो आपको स्टडी के लिए जो चीज चाहिए आप हमेशा साथ में रखिए। तीसरी चीज, चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एटलस है। ये दोस्तों वैसे ग्रॉस एनाटॉमी वगैरह बहुत सारे अलग अलग आती है, लेकिन कोई भी एक आप देखिए, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के साथ होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ होती है, तो वो बहुत हेल्प करती है। उस वक्त दोस्तों जब हमारे पास इतना ज्यादा यानी कि ये इंटरनेट की कोई अवेलेबल नहीं थी हमारे पास, तो हम लोग जो है तो एटलस को बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल करते थे। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हमको उसमें यूज, क्योंकि जब मोबाइल में इंसान जाता है तो 15-20 मिनट कम आधा घंटा तो उसमें वेस्ट करके आता है, इसलिए डिवाइस की अभी तो मैं बात ही नहीं किया, डिवाइस को भी दूरी रहने दो, अभी इन चीजों की बात कर रहा हूं मैं। फिजिकली जो तमाम चीज हमारे पास है उसमें एटलस बहुत हेल्प करता है, एटलस बहुत अच्छी चीज होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से जो है तो लाइब्रेरी से मिलता है और अलग अलग होते हैं, आप जो चाहे वो लो, मोबाइल हो या फिर पैड हो या फिर आपके पास लैपटॉप है, आप उसके अंदर एनिमेशन को यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत हेल्प होती है। लेकिन जो चीजें मैंने पहले एक्सप्लेन किया आप उसको समझने की कोशिश, वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बाद में जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा, सबके इंपॉर्टेंस अलग अलग होते हैं। कैन हब नाम का एक ऐप आता है जो कि बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, उसमें एनिमेशन भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, जबरदस्त चीज है,
उसके अलावा दोस्तों एनाटॉमी की स्टडी जहां तक की मेरी सोच है सबसे ज्यादा दोस्तों जहां तक हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ उसको क्यूजेस में, इसके अलावा ग्रुप डिस्कस के अंदर, क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर सब चीजों में इन्वॉल्व करें। नहीं समझ में आ रहा है आप उसके ताल्लुक से नेट पर जाए, वीडियोस देखे, उसके बारे में लेक्चर एक से बढ़कर लेक्चर देखे। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, या दोस्तों नोट्स बनाते जाए, जो प्रेशियस आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे आप जो है तो नोट्स ले सकते हैं या फिर उनसे डिस्कस कर सकते थे। तो दोस्तों वैसे बातें बहुत सारी है तो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि एनाटॉमी जितना मजबूत होगा आपको बहुत मजा आएगा। जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में जान लेंगे आपको बहुत मजा आएगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक ऐसी चीज है दोस्तों, ये यूं समझो इंसान की दो आंखें हैं, दोनों आंखें बंद करो कुछ भी नहीं दिखेगा, दोनों आंखें खोल दो बहुत कुछ दिखेगा, और एक आंख खोलेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, है ना, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। सेम एज इट इज एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप। जितना आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मजबूत होगा उतना आपको पूरे कैरियर में बहुत मजा आने वाला है। कोई चीज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई चीज आपको नहीं समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया, आज आपको अच्छे समझ में आया। एक अच्छी चीज मैं आपको एनाटॉमी के बारे में बताता हूँ, निमोनिक्स। वैसे बहुत सारी चीजें होती है लेकिन जो हमको कम वक्त में बताना है वो निमोनिक्स है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये बोन है, आप जानते होंगे ये अपर लिम का एक यानी कि एक अहम हिस्सा है, एक अहम पार्ट है, इंपोर्टेंट पार्ट है। ये जो है हैंड है पूरा, तो यहाँ पर जो है कार्पल बोन्स है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो ये रिस्ट ज्वाइंट जिसको हम बोल सकते हैं, ये वाले, ठीक है, ये कार्पल्स होते हैं और पैर में जो होते हैं वो टार्सल्स होते हैं। तो ये जो कार्पल्स है, जो आठ बोन होती है, छोटी छोटी आठ बोन होती है, जैसे पीसी फॉर्म है, ट्रेपीजियम है, ह्यूमाइट है, कैपी, तो ये जो अलग अलग बोन्स होती है। अब ये आठ बोन्स के नाम, अब देखो मुझे फर्स्ट ईयर, मेरा फर्स्ट ईयर था 2012 और 13 में, और अभी चल रहा है 2023, यानी लगभग 10 साल हो गए। तो फर्स्ट ईयर को मेरे 10 साल हो गए, लेकिन मुझे वो पूरे नाम मतलब मुझे सोचना पड़ता है, लेकिन उसका फॉर्मूला मुझे याद है, निमोनिक्स मुझे याद है, शी लूज टू प्रेटी ट्राई टू कैच, ऐसा एक फॉर्मूला था, हमारे एक डॉक्टर साहब ने हमको सिखाए थे और एक उर्दू में भी सिखाए थे कि श्यामला टुंडे पकाओ टुंडे तो कच्चे, इस तरह से कुछ बताए थे। तो अब जैसे कि शी लुक्स तो आता है बहुत सारी चीजें, लेकिन जब निमोनिक्स बनाते हैं, आठ बोन के नाम याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है, ये निमोनिक्स है, हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रैनियल नर्व्स है, उसके लिए एक निमोनिक्स आता है ऊटा फगवा। आपको ये सब ज्यादा लोगों को उतना मजा आएगा, आपको ग्रुप डिस्कस कर लीजिए, बोन हाथ में ले लो, आप बोलो भाई अपर पार्ट लोअर पार्ट ये वो मसल्स के बारे में, यानी आप जो जैसा है हाथ में बोल लो, उसको क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, थोड़ा मजाक मोड करो, ये सारी चीजें जब डिस्कस आप करते हैं तो एनाटॉमी समझ में आया आपको, स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिकली है, उसके बगैर एनाटॉमी समझ में नहीं आता जल्दी से। और मैं समझता हूँ 90% तो ये समझो 99% भी बोल दिया तो चलेगा कि देखने से ही समझ में आता है, स्ट्रक्चर ही समझ में आता है, स्क्रैच बना सकते हैं। अब तक मुझे मालूम था आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप जैसे मेरे को भी नहीं था, लेकिन 50-50 अभी मुझे उस वक्त में स्क्रैच बनाना शुरू किया। जब आप स्क्रैच बनाते हो एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है और मान लो कि ह्यूमेरस क्वेश्चन आ गया, जैसे ये ह्यूमेरस है क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपने कुछ नहीं किए, आपका स्क्रैच नॉर्मली आपने ड्रॉ करे, बस स्क्रैच बना लिए बस ह्यूमेरस की, तो आपका माइंड जो कि बंद है, हैंग है, डर रहा है, जो फोबिया आपके अंदर है, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं आपका माइंड 90% 100% चलना शुरू हो जाएगा, फास्ट चलना शुरू हो जाएगा सिर्फ स्क्रैच से, इतनी बड़ी ताकत है स्क्रैच के अंदर। तो आप जब भी पेपर देते हो, आप एग्जाम देते हो या फिर स्टडी करते हो, स्क्रैच के अंदर डाल दिए, खासकर एनाटॉमी के अंदर, फिजियोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट में कर सकते हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको एनाटॉमी की तमाम चीजें समझ में आया होगा, ये पढ़े के मेथड एक तरीके है मेरे पक्ष में। तीसरी चीज जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के बारे में हमारे डॉक्टर साहब थे डॉक्टर सलीम, वो कहां करते थे कि ये इल्मुल गैप है, मतलब जैसे कि हमने भगवान को गॉड को खुदा को नहीं देखा, लेकिन हमारा बिलीव कितना है, परफेक्ट है, 100% है कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है, अल्लाह है, भगवान है, जो भी आप जिस नाम से भी, तो आस्था जिसको हम कह सकते हैं, इल्मुल गैप जिसको हमने नहीं देखे लेकिन ट्रस्ट पूरा है, फिजियोलॉजी भी वही है, हमको समझना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, इमेजिन करना होता है, क्योंकि प्रोसेस है इसके अंदर, इसमें जो है फंक्शंस है, भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और ये तमाम सिस्टम है, इसको हमको समझना होता है। एनाटॉमी को हम तो देख सकते हैं लेकिन फिजियोलॉजी को हमको देखना नहीं होता है, समझना होता है, पढ़ना पड़ता है उसको। तो फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंस यही है, और इसके बारे में भी हमको जो है तो ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाना चाहिए, रोजाना स्टडी करना चाहिए, और इसके लिए जो सेल्स का और टिश्यू का जो पार्ट है उसको बहुत ज्यादा डीप पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हमारे कॉलेज के अंदर सेल 4 से 5 महीने सिर्फ सेल के बारे में हमने पढ़े थे,
क्योंकि शेयर बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है, यानी बेसिक चीज है ये। जब आपका जितना क्लियर होगा आपको आगे उतना ही हेल्पफुल होगा आपके लिए और आसानी होगी आपके लिए। तो फिजियोलॉजी के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजी में, इसके नोट बनाते बनाते आप लेक्चर भी अटेंड करना ना छोड़े। लेक्चर कौन से? आप फिजिकल लेक्चर जो है, ऑफलाइन लेक्चर, आपके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लेक्चर्स आप अटेंड करें, चाहे आप ट्यूशन में जाते हो या फिर कॉलेज के अंदर जाते हो, लेकिन आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के बारे में यही है, और उसके इंपॉर्टेंस यही है कि नोट्स बनाए, इमेजिन करें ज्यादा से ज्यादा, उसको इमेजिन करना होता है। और जैसे कि हम कोई चीज फिल्म मूवी वगैरह देखते आ जाते हैं, तो हमको किसी ने पूछ लिया कैसी मूवी, तो हम उसको अच्छे से बता सकते हैं। दो घंटे की मूवी को हम एटलीस्ट 20 मिनट को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और तमाम दो घंटे को हम कवर कर सकते हैं सेम एज इट इज, क्योंकि हमने उसको देख लिए या फिर इमेजिन कर लिए। तो सेम एज इट इज हम लोग को क्या करना है, फिजियोलॉजी के अंदर ये काम करना है। बायोकेमिस्ट्री है, वो भी रिएक्शन है, उसके अंदर कैसे हो रहा है इसको भी हमको इमेजिन ही करना होता है, और नोट्स बनाना होता है, लेक्चर अटेंड करना होता है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों, मैं अब इसके बारे में इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा क्योंकि जो टिप्स मैं आगे बोलने वाला हूँ वो तमाम चीजों को कवर कर लेगा। तो उसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद जैसे कि होम्योपैथिक वालों के अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, आयुर्वेदिक के यूनानी वालों के अलग होते हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक के कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, तारीख तिब उसको हम लोग बोलते हैं, इतिहास होता है इसके अंदर जो पैथी होती है, तो इसको आप हल्के में ना ले, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसमें इंपॉर्टेंस ये होता है जो डेट होते हैं, जो जैसे जालीनूस है, गैलेन जिसको बोलते हैं, वो कब पैदा हुए थे, और जो भी उनकी जो कुछ खास उनकी डेट होती है वो डेट आप याद रखा करें, वो कहाँ पैदा हुए थे, उनके कुछ खास कारनामे, उन्होंने क्या क्या ईजाद करे, कुछ कुछ उनके जो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज में आप याद रखें। उमूर तबिया, ये फंडामेंटल्स होता है यूनानी का, और वैसे कि जैसे कि आयुर्वेद में अलग सब्जेक्ट है जो बेस है आयुर्वेद का, इन चीजों को आप अच्छे से समझने की कोशिश, क्योंकि आपकी पैथी का पूरा बुनियाद उस पर है, ये जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप कुछ टॉपिक्स, कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल मिस मत करो, ये बहुत अच्छे आपको बहुत काम आएंगे। सबसे पहली चीज, आपको तमाम चाहे एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो या आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, आपको बहुत काम आएगी वो चीज। पहली मैं बताऊंगा गोल्डन आवर। जी हाँ दोस्तों, स्टडी का पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डन आवर क्या होता है ये? दो गोल्डन आवर ये एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, जब नींद से आप उठते हैं, चाहे आप 9 बजे उठे 10 बजे उठे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जब उठ रहे हैं उसका पहला एक घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलते ना किसकी सूरत देख लिया, है ना, होता है ना कि मेरा दिन खराब गया, ये मेरा दिन बहुत अच्छा गया। सेम एज इट इज, पहला जो एक घंटा होता है जब हम नींद से उठते हैं, तो जब हम नींद से उठते हैं तो पहला एक घंटा वो गोल्डन आवर कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें जो कुछ भी करते हैं सारा दिन हमारा वही मूड बना रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छा मोटिवेशन आप उसमें कीजिए। मैं आपको कुछ पर्सनल चीज बताता हूँ इसके लिए। मेरा जो रूम था स्टडी रूम, मैंने उसको नाम दिया था अमन हाउस। मेरा रूम था छोटा सा, स्टडी रूम बहुत छोटा सा रूम था, जैसे आप लोग जितना देख पा रहे इससे बस इतना ही था। तो वहां पर क्या था मालूम है, ये बोन्स के चैप्टर, यानी कि मैंने क्या किया था, हाथ से पेंटिंग किया था, वो तमाम चीजों को मैंने बोर्ड पर लिखा था। मेरे जो बैचमेट है, क्लासमेट है, वो उनको पता है, क्योंकि मैं जब एग्जाम सेंटर पे जब रूम लिया था मैंने, वहां पर भी मैंने तमाम दीवारों पे जो है मोटिवेशंस और ये सब, जैसे ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बारे में पूरा डिटेल जो है वहां लिखा था, फिजियोलॉजी के जो डेफिनेशन है या जो भी कुछ है, तमाम चीजों को मैंने जो है तो लिखा था। तमाम चीजों को जो इंपॉर्टेंस होता है, मोटिवेशन होते हैं, ये तमाम चीजें हमारे जब सामने होंगी ना, तो एक एनवायरमेंट क्रिएट होता, मूड बनता है। तो हम नींद से उठते हैं तो सबसे पहले चीज आप मोटिवेशन, खुद मोटिवेट होते रहे। क्या है, क्योंकि हमारे अंदर डर बहुत होता है, तो मोटिवेशन हमारे साथ में होना चाहिए। कुछ ऐसे नूरानी चीजें जो वर्चुअस होते हैं, जो भी आप इबादत बोलो या पूजा बोलो, आप ऐसी चीज से अगर दिन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम इस्लामी एतवार से वजू जिसको बोलते हैं, जब तक इंसान वजू करता है ना, उसको उसका जो माइंड है ना बहुत फ्रेश रहता है। तो आप जो भी इबादत करते हो, पूजा करते हो, जो भी आप करते हो, आप शुरुआत अच्छी चीज से कीजिए, तो आपका पूरा दिन अच्छा बने रहेगा। अच्छा टॉपिक हाथ में लीजिए और उससे शुरुआत करते हो, गोल्डन आवर, डेट समझ में आया होगा आपको। तो आपको एक घंटा बहुत अच्छा बनाना है, तो आप अपने तौर से तय कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमको गोल्डन आवर में रखना है। सेकंड चीज, जो आपको ओडिसियस मेथड यूज करना चाहिए। ये क्या होता है, ये एक बादशाह था, उनके दौर के अंदर ये एक वाक्य, एक इंसिडेंट हुआ था कि बिल्कुल जो बाहर का हमको डिस्ट्रैक्शन है, जिससे हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो तो तमाम चीजों से बचने के लिए दोस्तों आपको ओडिसियस मेथड यूज करना चाहिए। मान लो आप आंखें बंद करके जन्नत में बैठे हुए हैं, स्वर्ग में, यूएन में आप बैठे हुए हैं, आजू बाजू जो है भूरे हैं या जो परियां हैं और म्यूजिक चल रही है,
हवाओं में तक, हवाओं की लहरों में तक म्यूजिक बज रही है, कितना, क्योंकि मेरा सामने मेरा गोल था, ठीक है। तो ये बहुत पक्की बात बता रहा हूं आपसे, अगर आप ऑडिशियस मेथड को यूज करोगे तो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं हो। देखो हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बोलते थे कि कौन कितने घंटे पढ़ा दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, मैंने 2 घंटे पढ़े, नॉट इम्पोर्टेंट। अगर तूने 2 घंटे पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस 2 घंटे में तूने क्या पढ़ा ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, उम्मीद है बहुत फायदा होगा आपको। आप जब पढ़ी करते हो ना फिजियोलॉजी, जो कि बहुत सताता है, एनाटॉमी तो आपके लिए आसानी है, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत परेशानी आ रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इंट्रो होता है, डेफिनेशन होती है, थोड़ा सा आप एक ग्राफ पैराग्राफ पढ़ लीजिए। आप एक काम जरूर करें, मोबाइल डिवाइस लैपटॉप सारी चीजें ना मैं कहता हूं बंद कर दो। एक खास बात बता रहा हूं, इन चीजों से ना बहुत फायदे भी है लेकिन ना नुकसान बहुत ज्यादा है। क्लियर आपको मैं बता रहा हूं, जब आपके पास ये रहता है ना आपका दिमाग का जो नेटवर्क है ना बहुत कम आता है, जब स्विच ऑफ कर देते हैं ना आपका नेटवर्क बढ़ जाता है। यह 100% प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं आपको, यानी ऑफलाइन लेक्चर कॉलेज में बैठ के लेक्चर हॉल में वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका लेक्चरर कैसे भी हो वो सबसे अच्छे हैं। और उसमें बनाए गए नोट्स, आपके सीनियर से हासिल किए गए नोट्स आपके लिए सबसे अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से याद रखो, और जब भी आप पढ़ते हैं तो वो मैं बता रहा था कि आप उसको लिखना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। आपने 5 पेज पढ़ लिए और आपने लिखे नहीं, सिर्फ पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है मेरे को याद है याद है, दोस्तों यकीन मानो आप स्टडी में अभी भी पीछे हैं। लेकिन आप एक पैराग्राफ पढ़ लिया और उसके दो से तीन नोट लिखे आपने, 2 से 3 लाइन ही लिखी आपने, और आप लिखते गए, आपने 5 पेज पढ़ लिया और साथ में कुछ नोट्स बनाते जा रहे हैं आप अपनी खुद की, जैसे मेरी नोट्स है ये, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सारी स्टडी करके पढ़ा बोल रहा हूँ आपके सामने, तो ये मुझे आसानी हो रही है, बहुत आसानी हो रही है मुझे। जितनी किताबें मैंने पढ़ा सबको तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो टॉपिक वाइज मैं नोट्स बना रहा हूँ मुझे आसानी। ये चीज़ आप समझो, नोट्स बनाना खुद की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत हेल्प करती है, बड़े बड़े टॉपिक जो है तो कवर हो जाते हैं। आप नेट को कभी यूज़ करना है वो भी बताऊँगा, और गोल्डन आवर आपको मैं बताया, शॉर्ट टर्म गोल बताना है, और कभी भी जो है ना तो तरतीब बनाओ, स्टेप बनाओ, कि सुबह के 4 घंटे हमको सिर्फ एनाटॉमी को देना है, शाम के 2 घंटे इसको देना है। देखो कोई भी टाइम ऐसा बोला जाता ना अभी सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है शाम का, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को क्या है मूड अच्छा होना चाहिए, हमारे हमको डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए, हमारा डाइट अच्छा हो, हमारी सेहत अच्छी हो, एक्सरसाइज मूड अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे अच्छे माहौल में रहना चाहिए सुबह, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग का ये मकाम पे हम पहुंचे कि हमारा एडमिशन हुआ है। इसलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी फील्ड से रिस्पेक्ट कीजिए, और तमाम चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो एक क्लिप में इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, बोलने को बहुत सारी चीज़ें आ रही है नहीं बोल सकता, लेकिन जुड़े रहो मेरे साथ, मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, और मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा आपको। कुछ गलती कोताही आप उसको नज़रअंदाज करो, क्योंकि देखो हर इंसान गलती करता है।